नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिल के बीच हुई सीधी टक्कर, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल पर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनंद फानन में चारों को इलाज के लिए MGM अस्पताल ले जाया गया, जहाँ एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक रविंद्र बेसरा और राधे बेसरा तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार मोहम्मद खलील और मोहम्मद साबिर, चारों ही चांडिल क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिनमें से मोहम्मद खलील अंसारी की स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें TMH रेफर किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में घायल के परिजन ने दी जानकारी, बताया फोन के माध्यम से उन्हें घटना का पता चला तो वे घटना स्थल पहुंचे और एम्बुलेंस के जरिए चारों को इलाज के लिए MGM अस्पताल लेकर आए। तीन लोग घायल हुए, हम लोग को फोन आया था कि एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग एक्सीडेंट स्थल में पहुंचे, फिर वहां पुलिस पहुंची, आपका चौका थाना वाले एम्बुलेंस बैठा के यहाँ रेफर करवाए। कहाँ पे यह हादसा हुआ है? चोलीबासा में, चौका चोलीबासा। क्या चीज से हुआ है? बाइक, दोनों बाइक में थे, बाइक टकराया है। तीन घायल है इसमें ना? तीन घायल। कहाँ के हैं ये लोग सब? दो तो चांडिल बता रहे यार, ये पता नहीं कहाँ का। ये अकेले था बाइक में? क्या नाम है उन दोनों का? एक का साबिर नाम है, एक खलील नाम है। ये सब चांडिले के हैं? वही चांडिले के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सबीर। सब चांडिल का? हम लोग चांडिल का है।